जा सकता था, अच्छी तो कोई चीज टड़ी नहीं गई, तो कुछ तो होगा कुछ तो एक ना कुछ तो होगा सर. दोनों जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन वर इम्प्लीमेंटेड इन अ वेरी हरिड वे, दे वर नॉट थॉट थ्रू. तो आई बिलीव कि भी और इसमें थोड़ा सा थॉट प्रोसेस लाके फिर इम्प्लीमेंट करते तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर. एंड व्हाट क्या मतलब क्या इम्प्रूव किया जा सकता था सर आप, अगर आपको मतलब हाइंडसाइट में छोटी सी आप चीज ले लीजिए, जब डिमोनेटाइजेशन किया तो नोट्स, एटीएम मशीन्स भी उन्होंने दे वर नॉट कैलिब्रेटेड एट ऑल इनटू द स्मॉल नोट्स, द नोट्स दैट वर कमिंग इन, सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर इश्यूज. उसमें प्रॉब्लम आई जीएसटी में भी, आज की डेट में भी लोगों के पास कोई क्लैरिटी नहीं है फॉर मेनी 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 इश्यूज. जैसे पार्ट ऑफ इश्यूज है कि भाई अभी जैसे सपोज इन मैं इम्पैक्ट ही देख लूं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सो देर आर अबाउट 30-35 आइटम्स दैट कम इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट टैक्स स्लैब्स 4%, 12%, 18%, 28%, तो जो मेरा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सपोज एक्सपेंस अकाउंट है, उसमें चार टाइप के हेड्स में तो डालने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द जीएसटी व्हाट इज अवेलेबल. तो अभी जब मैं बैलेंस शीट अपनी नेक्स्ट ईयर की बनाऊंगा तो आई विल हैव टू डील विद 120 अकाउंट्स जस्ट बिकॉज़ फ्रॉम द 30-35 एवरी अकाउंट विल हैव अनदर ऑल फोर टैक्स स्लैब्स और मे बी इन सम केसेस टू टैक्स स्लैब्स. आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा जी, आवर वर्किंग विल इंक्रीज. आर यू वरीड अबाउट इट? यस ऑफ कोर्स वी आर, वी आर ऑफ कोर्स वी आर वरीड अबाउट इट. आई मीन वी डोंट नो हाउ टू मैनेज इट. प्लस जब ऑडिट आएगा, बैलेंस शीट का ऑडिट आएगा, तो उसमें इंटरप्रिटेशन क्या होने वाली है, दैट ऑल्सो वी आर नॉट अवेयर. पीपल आर ऑल्सो सेइंग, लोग कह रहे हैं कि इसमें जो टैक्स डिपार्टमेंट है ये भी मतलब काफी इसमें लूपहोल्स ढूंढने की कोशिश करेगी, लूपहोल्स ढूंढेगी और आपके बिजनेस के अंदर उनका हाथ भी मतलब उनका हाथ भी मतलब आपको दिखने लगेगा, ये भी आपको लगता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल. वो जो पहले ब्यूरोक्रेसी रेड टेप था या इंटरफेरेंस थी, दैट विल मतलब जो अभी बीच में काम हुई थी, फिर नाउ इट विल अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग. एंड व्हाट सजेशन डू यू हैव फॉर द गवर्नमेंट, क्या कर सकते हैं? व्हाट सर, एक तो जो वन नेशन वन टैक्स का जो फॉर्मूला है, ये जो चार टैक्स स्लैब्स हैं उसको हटा के वन नेशन वन टैक्स एक ही स्लैब होना चाहिए सभी प्रोडक्ट्स के लिए स्लैब्स. आई डोंट थिंक ये करेंगे पर वी हैव टू रेज अ डिमांड बिकॉज ऑफ द ऑल द कंट्रीज दैट वर्ल्ड वाइड जिसमें जीएसटी लागू है, एक्सेप्ट वन और टू कंट्रीज, सब में सिंगल स्लैब है. तो वी शुड बी ऑल्सो डूइंग द राइट वे, नॉट द रॉन्ग वे. या बट आई थिंक गवर्नमेंट, मेरा जो सेंस है दैट उस पर वो हम दबाव डालेंगे और हम कह रहे हैं कि इसको वन स्लैब करिए, 18% पे इसको कैप करिए, बट मुझे नहीं लगता है कि वो करेंगे. मतलब अगर बिल्कुल डिजास्टर हो जाए जी तो शायद कन्विंस हो जाए, बट जनरली उनकी पॉस्चर है कि नहीं, हम 4-5 स्लैब रखेंगे. कंसेप्चुअली जो आपने बात कही बिल्कुल सही है, जीएसटी इज वन टैक्स, इट इज नॉट 5 टैक्सेस. द होल आइडिया ऑफ जीएसटी इज वन टैक्स, तो इट इज ए फ्लॉड जीएसटी एक्चुअली. कंसेप्चुअली इट इज नॉट अ जीएसटी, इट इज समथिंग एल्स, इट इज कॉल्ड अ जीएसटी. तो आपका एग्जैक्ट बिजनेस क्या है? सर मेरा डीलरशिप्स है और मेरा कुछ ट्रक्स है मेरे पास जो ट्रांसपोर्टेशन में करता हूं. बेसिकली फ्यूल प्राइसेस की वजह से हम तो ट्रांसपोर्टेशन में काफी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हम ड्राइवर्स को फिक्स अमाउंट ऑफ डीजल देते हैं, पर जब डेली फ्लक्चुएशन होती है तो अवर ऑपरेशंस गेट हैम्पर्ड, बिकॉज हमको पता नहीं उसने किस रेट पे डीजल लिया है, और वो 15 दिन बाद अगर मेरे पेट्रोल पंप वाला बिल भेज रहा है तो आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट भी उस दिन क्या रेट था. तो दैट इज वन फ्लॉ. प्लस एज अ डीलर हमको भी जो हम लोग हमारी वर्किंग कैपिटल है दैट हैज इंक्रीज, हमको जो फ्यूज इन्फ्यूज करना पड़ रहा है वर्किंग कैपिटल, दैट हैज इंक्रीज बाय 25-43%. अगर सपोज इन मैं एसयूवी लेता हूँ, मतलब एसयूवी या टीसी से लेता हूँ, तो इट इज 28 मैन्युफैक्चर, तो विल चार्ज मी द सेम डे, आई हैव टू पे दैट. तो पहले जो मैं 12% सिर्फ 12 या 12.5% एक्साइज दे रहे गाड़ी मनवा रहा था, फिर उसको बेचते थे हम लोग, उसके 25 दिन बाद जब हमको वैट भरना आता था, कस्टमर से क्लेम करके वी यूज टू पे द वैट.
पर आरटी रेट में तो 43% पूरा हमको फ्रंट देना पड़ रहा, तो दैट हैज इंक्रीज्ड अवर वर्किंग कैपिटल अलॉट. ओके, थैंक यू. श्री निमिष मेहता, प्रेसिडेंट वडोदरा ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन. नमस्ते राहुल जी. नमस्कार सर. हमें आपसे प्रश्न नहीं पूछना है, आपकी मदद चाहिए. बताइए, हाजिर हूं मैं. राइट राइट. आप देश के बड़े पक्ष के उपाध्यक्ष हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और अपोजिशन लीडर हैं. अनाज जैसी आइटम पे, जो जीवन जरूरियात की चीज है, उस पे 5% जीएसटी है ब्रांडेड लाइन पे, वो क्या जरूरी है? हमें मदद चाहिए कि आप ओपोजिशन लीडर की अपने पोस्ट की वजह से इस जीएसटी को निकालिए. पहले तो सरकार ने फूड सेफ्टी एक्ट दाखिल किया और फूड सेफ्टी एक्ट में देश की जनता को अच्छी क्वालिटी मिले, पैकिंग वाली प्रोडक्ट मिले, इसीलिए लोगों को एक फूड सेफ्टी एक्ट को दाखिल करा दिया. अब क्या हुआ कि ब्रांडेड आइटम पे 5% जीएसटी लगा दिया और पेपर में रोज ऐड आती है कि छूटे अनाज पे टैक्स नहीं है, अनब्रांडेड अनाज पे, अनब्रांडेड मैदा पे, अनब्रांडेड तुअर दाल पे टैक्स नहीं है. तो अभी क्या लोगों को छूटा खुला खिलाना है, जिसपे क्वालिटी की क्या, गुणवत्ता की क्या? तो ये सब हमारे प्रश्न है और ये प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम आपकी मदद चाहते हैं. थैंक यू. बिल्कुल कर सकते हैं आपकी मदद, बिल्कुल कर सकते हैं. बट जीएसटी से मतलब काफी डिस्टर्बेंस हो रहा है आप लोगों को ओवरऑल. ये आपको क्या टेम्पररी लगता है या ये लॉन्ग टर्म नुकसान करेगा आपको? लॉन्ग टर्म. बट तब तक आपका जीएसटी पे और क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके सबसे बड़े? हाँ बताइए. प्लीज प्लीज एक मिनट. राहुल जी नमस्कार. नमस्कार. कई दिनों से आपको मिलना चाहते थे. अभी गुजरात का इलेक्शन हो रहा है. गुजरात में 15 वर्ष से ये भाजपा सरकार ने शिक्षण को व्यापार बना दिया है. आपकी सरकार आने से खानगी स्कूल बंद हो जाएगी कि नहीं होगी? क्या क्या खानगी स्कूल जो प्राइवेटिज्म शिक्षण में चल रहा है वो स्टॉप करेंगे या नहीं करेंगे, उसका खुलासा चाहिए. दूसरा कि गुजरात में किसान लोगों की 30% जमीन खत्म हो गई है. अभी खेती का व्यवसाय चौपट हो गया है. मैं आपको एक आवेदन पत्र भी देना चाहता हूं और इसमें खेती की जमीन बचाने के लिए आप गुजरात में सर्वे करके उसको खेती जोन डिक्लेयर करके खेती की जमीन बचाने के लिए आपकी पार्टी काम करेगी या नहीं करेगी? दूसरा, जो शासनकर्ता प्रजा के पास से टैक्स ज्यादा लेता है उसमें ऐसा होता है कि प्रजा का शोषण ज्यादा होता है. इस गुजरात में सारे देश में सबसे ज्यादा रेवेन्यू टैक्स है, वो टैक्स कम करने के लिए आपकी सरकार क्या करने वाली है? और सामाजिक न्याय के अनुसंधान में यहां वृद्ध विधवा और अपंगों को जो पेंशन मिल रहा था अभी ये सरकार बंद कर रही है. तो आपकी सरकार आने से हम ऐसी इच्छा रखते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति बक्सीपंच और आर्थिक रूप से पछात लोग जो है उनको, जो विधवा वृद्ध आदमी है उसको ज्यादातर 1000 या 1500 रुपये का पेंशन मिले. ये सब
चुटनी ढंढेरे में आपके शामिल हो और ये गुजरात की प्रजा को न्याय दीजिए, आपका विजय निश्चित है। तो पहला बात करेंगे, पहला सवाल जो आपने पूछा एजुकेशन का, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्राइवेट स्कूल्स को बंद करेगी या नहीं। देखिए, ऑप्शन होना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि सरकार पब्लिक स्कूल सिस्टम को खत्म कर रही है। अगर आपने पब्लिक स्कूल सिस्टम को इफेक्टिवली चलाया, आप प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ सकते हैं, मगर अगर आप इफेक्टिव पब्लिक स्कूल सिस्टम चलाएंगे, ऑटोमेटिकली प्राइवेट स्कूल की प्राइस गिरेगी और जो आपको काम करना है, जो गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को आपने एजुकेशन देनी है, वो आपका काम हो जाएगा। गुजरात में मेन प्रॉब्लम ये है कि गुजरात की सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है और पब्लिक सेक्टर स्कूल सिस्टम को खत्म कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। हम प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ नहीं हैं, मगर हम यह चाहते हैं कि गुजरात का हर बच्चा कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन ले पाए, और उसके लिए कांग्रेस की सरकार पब्लिक एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा पैसा डालेगी। हिंदुस्तान में सबसे बेहतर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कौन सा है? IIT है या पब्लिक है? पब्लिक है। तो हिंदुस्तान के सबसे अच्छे IIT का एग्जाम जो होता है, वो सब पब्लिक यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज में जाने के लिए, पब्लिक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए होता है। मगर जो क्राइम किया है पब्लिक सेक्टर एजुकेशन और पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर को, उन्होंने नष्ट किया है, डिस्ट्रॉय किया है, खत्म किया है। हमारा बैलेंस पोजीशन रहेगी और हम ज्यादा पब्लिक पैसा हम पब्लिक सेक्टर पे देंगे। दूसरा आपका सवाल था कि हम कमजोर लोगों की करेंगे। हमारी फिलॉसफी है, और आपने यूपीए सरकार में आपको देखने को मिलेगा कि हम हर व्यक्ति के नीचे एक फ्लोर डालना चाहते हैं कि कम से कम गुजरात के हर व्यक्ति को क्या मिलेगा। बेसिक फंडामेंटल चीजें हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। उसके बाद अगर कंपटीशन में कोई दूसरे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बेहतर काम कर जाए, वो अलग बात है, मगर मिनिमम सपोर्ट सबको मिलना चाहिए। मिनिमम सपोर्ट कहां मिलना चाहिए? उनकी जमीन पे उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए, जो लैंड एक्विजिशन बिल ने दिया और मोदी जी ने उसको रद्द करने की कोशिश की। उनको एजुकेशन में, हेल्थ केयर में सपोर्ट मिलना चाहिए और आसानी से उनको रोजगार मिलना चाहिए। ये चार काम सरकार के होते हैं। अगर कोई भी सरकार ये काम ना करे तो उस सरकार का कोई मतलब नहीं है। तो इन चीजों पे जनरली हमारा फोकस रहता है। देखिए, हिंदुस्तान में बहुत चीजों की चर्चा होती है, मगर यहां पे दो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं और इसके बारे में आपके राजनेता, हमारे राजनेता बात नहीं करते। एक सेंट्रल प्रॉब्लम यह है कि आने वाले दिनों में रोजगार का कंपटीशन दो देशों के बीच में होने वाला है, चाइना एंड इंडिया, और कोई नहीं है वहां पे। अब सवाल उठता है कि रोजगार चाइना जाएगा या फिर हिंदुस्तान आएगा, और ये 21वीं सदी का मेन सवाल है। तो एक प्रकार से कंपटीशन हमारा चाइना के साथ है। मैं आपको आंकड़े दे देता हूं। हर 24 घंटे 30,000 नए युवा हिंदुस्तान की जॉब मार्केट में आते हैं। 30,000 में से हिंदुस्तान की सरकार सिर्फ 450 को रोजगार दे पाती है।
30,000 में से 450। चाइना की सरकार हर रोज 50,000 युवाओं को रोजगार देती है। सिंपल सी बात है। और मैं आपको कह रहा हूं कि बहाने नहीं चलेंगे। अगर हिंदुस्तान ने आने वाले 5-10 साल में 24 घंटे में 30-40 हजार युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो यहां पे इतना गुस्सा आएगा, इतना क्रोध फैलेगा कि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और जो भी गुस्सा समाज में आ रहा है, चाहे वो धार्मिक गुस्सा हो, चाहे वो जात का गुस्सा हो, चाहे वो भाषा का गुस्सा हो, उस सब का कारण रोजगार है। और हिंदुस्तान की सरकारें, और इसमें मैं कांग्रेस पार्टी को भी जोड़ता हूं क्योंकि हमारा रिकॉर्ड अच्छा था, इनसे अच्छा था, मगर हमारा रिकॉर्ड भी 5/10 था। और ये राजनीतिक बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और हर पार्टी के राजनेता को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भैया ये चैलेंज है और कंपटीशन चीन के साथ है। जब भी इस देश ने अपना फोकस एक काम पे लगा दिया है, ये काम करके दिखा देता है। आप बहुत अच्छा उदाहरण है, सफेद क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, सैम पिट्रोडा की आपने बात की। जब भी फोकस आता है ये देश रिजल्ट देता है। और गलती ये हो रही है कि इस सवाल पे देश का फोकस ही नहीं है। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अगर इस देश ने अपना फोकस जॉब्स पे डाल दिया, जो आपके जेब में फोन है उस पर मेड इन इंडिया, मेड इन गुजरात लिखा होगा। हम चाइना से कंपटीशन कर सकते हैं, मगर लीडरशिप को फोकस देने की जरूरत है, लीडरशिप को प्रायोरिटी देने की जरूरत है। पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल किसानों का है, एग्रीकल्चर का है। आप किसी भी खेत में चले जाइए, आप उनसे उनका, जैसे आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात की, उनसे आप प्रॉफिट लॉस पूछ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान के किसान का प्रॉफिट लॉस लॉस में ही चलता है। प्रॉफिट इज इंपॉसिबल। तो ये ट्रांजिशन है, किसान को एग्रीकल्चर को प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। और किसान के जो बच्चे हैं उनको ऑप्शन देनी ही पड़ेगी, और वो ऑप्शन सिर्फ जॉब से आएगा। ये दो सवाल हिंदुस्तान के सामने हैं और एक्चुअली चर्चा इनके बारे में होनी चाहिए। चर्चा होती है धर्म के बारे में, मारपीट के बारे में, इन चीजों के बारे में, देश का नुकसान होता है। श्री उमेश राठौड़ CA। नमस्कार। नमस्कार डियर राहुल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका तो बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। हाँ चलेगा आपका तो बहुत अच्छा चलेगा। मगर दिक्कत ही भी है ना, सबको एक्सप्लेन भी करना पड़ता है जो एक्चुअल सिचुएशन होती है। बताइए डियर राहुल जी, पहले तो परामर्श थ्रू आपके थ्रू ये ज्वाइंट हुआ उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। दो चीज है मैं पूछना चाहता हूँ, एक जनरल मेरा क्वेश्चन है और दूसरा एक टेक्निकल है। जनरल बोला जाए तो अभी डे बाय डे गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग टू कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी, मगर उसके सामने जो विलेजेस है वगैरह में जो मिनिमम बैलेंस की जो सुविधा है कि भाई मिनिमम बैलेंस इतना रखना, उसके सामने आपका बैलेंस नहीं रहा तो वो चार्जेस लगता है। ठीक है, तो उसको ऐसे समझो कि जो बंदा गांव में रहता है जिसके पास इतनी कुछ आया नहीं होती है, इनकम नहीं होती है, और फिर भी मिनिमम बैलेंस नहीं रहता तो उसको कितना चार्ज लगता है। आप SBI का PNL देख लो तो उसमें क्रेडिट साइड पे इनकम देखो तो नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं अर्निंग करता, इतनी इनकम हो जाती है।
तो एक आपकी गवर्नमेंट का, मेरा कहने का ये होता है कि उस पर कुछ स्टैंड होना चाहिए कांग्रेस गवर्नमेंट का कि भाई मिनिमम बैलेंस कुछ एक प्रॉपर सिस्टम से लिखा जाए, हर एक पब्लिक को उसको बेनिफिट हो जो बेसिकली लोअर इनकम वाले हैं। और दूसरा ये मेरा होता है इनकम टैक्स, जैसे मैं सीए हूं तो नेचुरली उस तरह सा क्वेश्चन रहता है। पिछले बजट में एक चेंजेस आया था अंडर द लमसम इनकम जो होती है उस पर एक टैक्सेशन होता है 8% लग जाता है। तो 8% प्रॉफिट में ये होता है, पार्टनरशिप फॉर्म की बात किया जाए तो रेम्यूनरेशन और इंटरेस्ट मिला जुला के वो 8% में गिना जाता था, मगर पिछले बजट में चेंज होने की वजह से तो एक नॉर्मल पार्टनरशिप होती है 80 लाख का टर्नओवर होता है, तो जो पहले 37,800 जैसा टैक्स आता है उसके बदा उसकी जगह पे आज 1,92,000 टैक्स आता है, क्योंकि इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन उसको हटा दिया उन्होंने और 8% प्रॉफिट रखना जरूरी कर दिया। तो इसकी इंपैक्ट समझ लो कि पार्टनरशिप डे बाय डे वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी और पार्टनरशिप बिजनेस कोई नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल जो प्रोप्राइटरी फॉर्म होती है वो रन करेगी या कंपनी सीधी बनेगी जो बड़ा टर्नओवर होती है। दो क्वेश्चन है मेरे। दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत टेक्निकल है। पहला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग और जो थिंकिंग हिंदुस्तान में सक्सेसफुल रही है कि आप कोई भी चेंज लाना चाहते हो उसको आप एवोल्यूशनरी तरीके से लाओ, उसको आप हिंदुस्तान को कैशलेस बनाना चाहते हो, आप पॉलिसीज को शिफ्ट करो कि आस्ते आस्ते हिंदुस्तान कैशलेस बन जाए, आप फोर्सिबली जल्दी से हिंदुस्तान को कैशलेस बनाने की कोशिश करोगे तो आप बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचाओगे। एक थिंकिंग है कि पॉलिसी चेंज करो और बाद में एक साल दो साल बाद स्मूथली आपको उसका इफेक्ट पड़ेगा। ये आपने सैम पित्रोदा की बात की, उसका ये एक उदाहरण है। टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुआ, आप मुझे बताओ टेलीकॉम रेवोल्यूशन से कितने लोगों को चोट लगी? किसी को लगी? कोई रोया? किसी ने कहा कि भाई कोई मरा? नहीं, लाइन में भी खड़ा नहीं हुआ। तो अगर आपकी थिंकिंग स्ट्रेटेजिक है और आप सही टाइम पे पॉलिसी लगाओगे आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अगर आप फोर्सिबली पॉलिसी लगाओगे, जैसे किसी ने मुझे एक बार उदाहरण दिया, आपके पास चॉइस है, गंगोत्री पे आपने 2-3 पत्थर लगा दिए, गंगा हिल जाएगी, अलाहाबाद पे आपको डैम बनाना पड़ेगा तब भी नहीं हिलेगी। तो स्मार्ट पॉलिसी वो होती है जो प्रॉब्लम को पहले पकड़े। मैं आपको बताऊं, जब कोई स्मार्ट पॉलिसी करने की कोशिश करता है, ऐसी पॉलिसी मतलब गंगोत्री को शेप करने की कोशिश करता है, तो लोग कहते हैं पागल है, नेचुरल रिएक्शन होता है। मैं आपको बताऊं, आप मानेंगे नहीं, आप आर्काइव में जाइए, वाजपेयी जी ने कहा था राजीव गांधी के बारे में कि यह लड़का पागल है, एक्चुअली बोला था कि इससे कंप्यूटर लाने से हिंदुस्तान का नुकसान हो जाएगा, मगर उसकी टाइमिंग सही थी। तो विजन की जरूरत होती है, लीडर का काम होता है 10-15-20 साल आगे देखना और आज एक पॉलिसी यहां बनाना कि 5-10 साल बाद उसका ऐसा इफेक्ट पड़े कि लोग देखें भैया क्या हुआ। यह काम नहीं होता कि फोर्सिबली भैया मैं आज करूंगा और आप सबको रुला दूंगा, दैट इज नॉट गुड पॉलिटिक्स, इट इज नॉट गुड पॉलिसी। तो ये अपॉर्चुनिटीज कहां है? आज ये अपॉर्चुनिटी हेल्थ केयर में है। आने वाले समय में दुनिया का हेल्थ केयर बदलने वाला है और आज हिंदुस्तान अगर सही पॉलिसी आज बना दे, किसी को पता भी नहीं लगेगा, आज से 10-15 साल बाद आप पूरे दुनिया की हेल्थ केयर को डोमिनेट कर सकोगे। मैं आपको यह भी बता सकता हूं कैसे।
आज मेडिकल प्रोसेस डॉक्टर की मेमोरी में है, कल पूरा का पूरा कंप्यूटर पे जाने वाला है। मेडिकल प्रोसेसेस सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में होते हैं, मगर वो मेमोरी कैप्चर नहीं होती है। आज से 10 साल बाद जो भी डॉक्टर करेगा कंप्यूटर्स पे होगा। हिंदुस्तान के पास दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल डेटाबेस होगा, और इस डेटाबेस के साथ हिंदुस्तान पूरी दुनिया के मेडिकल इंडस्ट्री को डोमिनेट कर पाएगा। अब विजनरी लीडर का काम होता है कि आज हमें लो कॉस्ट क्या करना है, कैसे आज हम शेप कर दें कि जनता को पता भी ना लगे, और 10 साल बाद जनता के भैया ये क्या हुआ, कैसे हो गया। ये लीडरशिप होती है। जो पावरफुल डिसीजंस होते हैं वो जनरली पता भी नहीं लगता कि हो गया, अगर आदमी सही काम कर रहा है। समय घणो थतो जाय छे, एक प्रश्न अपने वधारे लईए। अमी रावल, असिस्टेंट प्रोफेसर एट एमएस यूनिवर्सिटी इन द फैकल्टी ऑफ साइंस। अच्छा, मैं आपको एक और कहानी बताऊं, उल्टी कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं, मजा आएगा, बताता हूं, सुनो। ये इनोवेशन दुनिया में दो तीन जगह होगा, दो तीन स्पेस, दो तीन एरियाज में होगा। एक कंप्यूटर जो है आज आपके हाथ में है, कल आपके शरीर के अंदर जाने वाला है, ठीक है, और दूसरा ये कंप्यूटर हवा में उड़ने वाला है। एक को आप ड्रोन कहते हैं, दूसरे को आप मेडिकल डिवाइस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसको हम ड्रोन कहते हैं उसमें है, और उसको आज चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स डोमिनेट करते हैं। जो वेपनाइज्ड ड्रोन्स हैं, जो लड़ाई करने वाले ड्रोन्स हैं, बड़े वाले हैं, उनको यूएस डोमिनेट करता है, और जो छोटे वाले ड्रोन्स हैं जो टॉय इंडस्ट्री में है मगर वो भविष्य में बहुत पावरफुल होंगे, वो चाइना डोमिनेट करता है। मैं आपको हिंदुस्तान की कहानी बताता हूं। एक दिन मैं बैठा था और एसपीजी के चीफ आए और मुझे कहते हैं, सिक्योरिटी की बात हो रही थी, तो पता नहीं मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने उनसे कहा तुम इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। आए, मैंने उनको ड्रोन दिखाया, छोटा सा, आपने शादी में देखा होगा, देखा है? मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा ये देखो, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? ये काफी डेंजरस चीज है, इस पे कोई बम भी लगा सकता है। मैंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। 10-15 दिन बाद मैंने अखबार खोला, पूरे हिंदुस्तान में ड्रोन्स बैन कर दिए गए। आप समझे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब एक व्यक्ति ने पूरी इंडस्ट्री की इंडस्ट्री उड़ा दी, खत्म कर दी, और वो मतलब इनोवेशन की मेन मतलब इंडस्ट्री है दुनिया में। तो इनोवेशन को हिंदुस्तान में ऐसे मारा जाता है, एक कोई कानून बना देता है ब्यूरोक्रेट भैया की सिक्योरिटी रिस्क है, ड्रोन को खत्म करो, और पूरी इंडस्ट्री गई, लाखों रोजगार गए, आपको पता भी नहीं लगा। तो ये हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारा सिस्टम इनोवेशन को मारने का सिस्टम है। आप लोग नहीं मारते हो, ब्यूरोक्रेसी मारती है, होम मिनिस्ट्री मारती है, अलग अलग बहाने हैं, मगर हर रोज इस देश में इनोवेशन को
काटा जाता है, खत्म किया जाता है। और ये आपकी भी फ्रस्ट्रेशन है, आपको भी लगता है। आप अगर कुछ नया करने की कोशिश करो 50 लोग आपको पकड़ के पीछे खींचेंगे, नहीं। मगर आप लोग तब भी करते रहते हो, लगे रहते हो, मुश्किल है बट ये आपकी स्पिरिट है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। इसको आप शायद रिकॉग्नाइज नहीं करते हो मगर ये आपकी स्ट्रेंथ है और गुजरात की स्ट्रेंथ है। नमस्कार। पार्शियली सर यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड व्हाट आई एम सपोज टू आस्क यू बट स्टिल आई बिलीव एजुकेशन एंड हेल्थ आर टू पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। इन रिसेंट ईयर्स क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज डिटीरियोरेटिंग टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। देर इज अ ग्रेट नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू एजुकेशन सिस्टम। सो इफ वी रियली एस्पायर फॉर ब्राइट फ्यूचर ऑफ अवर कंट्री हाउ वुड यू लाइक टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन? इसमें अगर आप फिलोसॉफिकली बात करें दो सिस्टम्स को मर्ज करने का काम है। वेस्टर्न सिस्टम में बहुत सारे फायदे हैं और जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है गुरु शिष्य का सिस्टम उसमें भी फायदे हैं। तो इन दोनों को, इन दोनों की जो क्वालिटीज हैं मॉडर्न हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में होनी चाहिए। तो ये हायर लेवल पे बात की मैंने, मगर मेन चीज ये है कि सरकार का पैसा एजुकेशन और हेल्थ केयर में इफेक्टिवली जाए और बड़ी क्वांटिटी में जाए। ये इसके बिना मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हमारा कंपेटिटर क्या कर रहा है। मुझे टेंशन उससे आती है। अभी मैं यूएस गया, फ्लाइट पे वहां पे 2-3 बच्चे बैठे थे, मेरी मां के देश के थे। मैंने उनसे बातचीत शुरू की 20-22 साल के। मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है। मुझे कहते हैं वी वर इन चाइना। ऐसे तुम लोग चाइना में कैसे? व्हाई वर यू इन चाइना? दैट द चाइनीज गवर्नमेंट हैज अ प्रोग्राम दैट यूरोपियन चिल्ड्रन कैन गो टू चाइना एंड टीच इंग्लिश, टीच इटालियन, टीच जर्मन, टीच फ्रेंच। ऐसे कहां थे तुम? वेयर वर यू? वी वर इन अ विलेज इन चाइना। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर? वी स्टेड देयर 6 मंथ्स। तो आप समझिए वो अपना काम कर रहे हैं, उनका जो मैसेज है। मैंने उनसे पूछा, बच्चों से पूछा डिड यू लाइक चाइना। मैंने सोचा थोड़ी इंडिया की प्रोपेगेंडा कर देता हूं कि इंडिया भी जाओ। डिड यू लाइक चाइना? यस। वॉज इट गुड? यस। डिड यू लर्न? यस। तो हमें अपना माइंडसेट क्लियर बनाना है। कंपटीशन उनके साथ है, अगले 10-15-20-30 साल में सीधी बात है या इंडिया है या चाइना है। एजुकेशन में भी हमें देश को बाकी दुनिया से जोड़ना है। उनकी बड़ी डिसएडवांटेज थी इंग्लिश की, उसको मिटा रहे हैं वो। हमारी बड़ी एडवांटेज थी मिट्री है। तो दैट इज, इट इज इंपॉर्टेंट। आई एम नॉट गिविंग यू अ पॉलिटिकल डिस्कशन बिकॉज आई थिंक इट विल बी disrespectful to you to give a political discussion. I am trying to give you a discussion, a visionary discussion for India. Because that is what is required. We will have please he is the moderator. So we will have to take
We will have one more question. And the question is from Bhavisha Parmar. She is small business entrepreneur. Let this question be over, then we will take. Yes, sir, aap yahan aa jaiye, baad mein pura mujhse discussion kar lijiye. Aapko special, aapka special discussion kar dete hain. Okay. Let her ask, then you ask. Okay. Yes, I will do that. Let the lady speak and then we'll come to you. I will tell you just before I go what my father taught me. Ek madam ko bol rahi hai. Good evening, sir. Myself Bhavisha aur main financial service ke sath related hu. मेरा क्वेश्चन आपसे यही है जो जनरल था टैक्सेस रिलेटेड सर काफी बार ऐसा होता है कि पीपल्स आर पेइंग मोर टैक्सेस देन द चार्जेस तो इट्स सो टफ फॉर अस टू एक्सप्लेन देम कि दिस इज द चार्जेस एंड दिस इज द टैक्सेस सो इट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्टिंग द माय बिजनेस एंड ऑल दिस पीपल्स आर अफेक्टिंग लॉट्स सो सर टैक्सेस इज वेरी बिग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस एंड यूथ जनरेशन एजुकेशन एज वेल एज दिस taxes and jobs are it's so I think it's so big questions for the next generations and the nations of our nations and the future of India. Okay, thank you. See, har state mein jaise Hindustan mein har state ki strength hoti hai. Aap believe nahi karoge matlab magar Uttar Pradesh ki strength hai, Bihar ki strength hai, sab states ki strength hai aur Gujarat ki badi unique strength hai. Jo mera matlab 10-15 साल का अनुभव है जो मैंने इनोवेशन की बात की और जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो गुजरात की स्ट्रेंथ है ये आपका कैरेक्टर है ये आपका डीएनए है और पूरा देश गुजरात से ये सीख सकता है पूरा देश गुजरात से इनोवेशन सीख सकता है और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए उसको वर्ल्ड लीडर कैसे बनाया जाए उसको बाकी दुनिया में कैसे भेजा जाए वो सीख सकता है तो ये आपके पास एक प्रकार से आईपी कहते हैं इसको मॉडर्न वर्ल्ड में ये आपके पास आईपी है और हिंदुस्तान को इस आईपी का प्रयोग करना चाहिए तो ये मेरी माइंड में ये है तो अगर मैं आपके बारे में सोचता हूं तो मैं इस प्रकार से सोचता हूं कि जो गुजरात के स्मॉल बिजनेसेस हैं जो पूरी दुनिया में है अमेरिका में है एंटवर्प में है उनको हम और स्ट्रेंथ कैसे दे सकते हैं हां आप बताइए भाई नहीं वो हां राहुल जी नमस्कार नमस्कार आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि इंडिया के अंदर कांग्रेस जैसी फुल फ्लेज पार्टी कोई नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल और भारतीय जनता पार्टी जैसी स्मॉल पार्टी कोई नहीं है भाजपा ने खुद अपने बीजेपी बेबी जेटली पार्टी और बेबी जैसी पार्टी तो छोटी होती ना वो तो छोटी पार्टी है कांग्रेस फुल फ्लेज पार्टी है और जीएसटी का विरोध गुजरात ने सबसे पहले किया है क्योंकि गुजरात में सबसे बड़ा व्यापार भी होता है और अगर गुजरात में व्यापारी लोगों को नुकसान होगा वो कभी देश बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वन थिंग सेकेंडली जीएसटी आप पढ़ोगे तो समझ आ जाता है कि गुजरात शुरू से तैयार फॉर द ऑपोजिशन एंड दैट ऑपोजिशन इज राहुल गांधी एंड दैट ही इज नॉट ऑपोजिशन ही इज अ प्रोपोजिशन अकॉर्डिंग टू मी मेरे हिसाब से तो वो अच्छे से अच्छे प्रोपोजिशन वाले हैं और आपने आकर जो बात आज की है उसके लिए मैं समझता हूं मैं अपने को धन्य भी समझता हूं आई हैव नेवर मेट यू आई वांटेड टू मीट यू बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट मीट टुडे आई हैव मेट यू
See, I've heard you also. आपने small party, big party की बात की. जी. देखिए विचारधारा मेरी कांग्रेस की है, विचारधारा मेरी बीजेपी की नहीं है, आरएसएस की नहीं है, अलग विचारधारा है. बट इसमें दोनों पार्टी, चाहे हमें अच्छी नहीं लगे, दोनों पार्टी हिंदुस्तान की थिंकिंग की पार्टी है. ये नहीं कहा जा सकता कि भैया मैं उनके खिलाफ हूं, मैं उनसे लड़ूंगा, मगर वो हिंदुस्तान के लोगों का एक्सप्रेशन है और उसकी इज्जत करनी पड़ेगी. और कांग्रेस पार्टी भी हिंदुस्तान के लोगों का एक्सप्रेशन है और उसकी भी इज्जत करनी पड़ेगी. मैं अपने आप को पार्टी का आदमी नहीं मानता हूं, मैं अपने आप को हिंदुस्तान का जो एक्सप्रेशन है उसको स्ट्रेंथन करने का आदमी मानता हूं. मैं पार्टी में हूं और मेरी विचारधारा कांग्रेस की है, मगर मैं ये कभी नहीं कह सकता हूं कि मैं देश से बीजेपी को खत्म करना चाहता हूं. मैं नहीं कह सकता हूं. वो कह सकते हैं. नहीं, एक सेकंड सुनिए, बात सुनिए, आप बात सुनिए. देखिए मैं आपको अंदर की बात बता देता हूं. मैं जनरली पॉलिटिशियन हूं तो अंदर की बात अंदर रखता हूं मैं, मगर बता देता हूं आपको. देखिए, मुझे मेरे फैमिली ने सिखाया है, दादी ने सिखाया है, पिताजी ने सिखाया है, पता नहीं शायद नहीं, मैं सोचता हूं कभी कभी, मैं सोचता हूं कभी कभी, पता नहीं ये गांधी नहीं, मुझे लगता है, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है कि ये गांधी जी की जो थिंकिंग थी मेरी फैमिली में आई एक्चुअली. मगर मुझे बताया गया है कि आप अगर किसी से नफरत कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, तो वो आपकी वीकनेस है, वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है. तो मेरा काम जब मैं मेरे ऊपर कोई मतलब उल्टी सीधी बात बोलता है, मुझसे नफरत करता है, मैं कभी कभी अंदर से कोशिश करता हूं कि मैं भी इसके खिलाफ गुस्सा करूं, कि मैं भी मतलब थोड़ा क्रोध निकालूं, मगर निकलता ही नहीं है एक्चुअली बात है. मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात बताऊं, मैं आपको अपनी फैमिली की बात बताता हूं, मन की बात नहीं, मैं आपको अपनी फैमिली की बात बताता हूं, आप हैरान हो जाओगे शायद. मेरे पिता की हत्या प्रभाकरण ने की, सही, तमिल टाइगर प्रभाकरण ने की. जिस दिन मैंने प्रभाकरण की लाश श्रीलंका के वो समुद्र में देखी, मुझे दुख हुआ, मेरे अंदर दुख हुआ. मैंने फोन उठाया और मैंने प्रियंका को फोन किया और मैंने प्रियंका से कहा, प्रियंका ये बड़ी अजीब बात हुई है कि मैंने अपने पिता के हत्यारे को देखा है, मरा हुआ है, और मुझे अंदर दुख हो रहा है. मैं सच बताऊं, मुझे गिल्टी फीलिंग आ रही थी, ये कैसे कर दिया मैंने. और प्रियंका कहती है, मुझे भी हो रहा है, मुझे भी दुख हो रहा है, मुझे भी रोने को आ रहा है कि
उसको चोट लगी, उसकी हत्या हुई, उसके बच्चों की हत्या हुई, क्योंकि हम क्रोध को समझते हैं, हम दुख को समझते हैं। जब कोई मरता है हम समझते हैं, मेरी दादी को गोली से मारा गया, मेरे पिता को गोली से मारा गया, समझते हैं हम, और हम किसी से गुस्सा नहीं कर सकते। ये हमारा सिस्टम है। अब लोग हमें बेवकूफ कहे, उल्लू कहे, ये अलग बात है, मगर ये हमारा सिस्टम है। और ये देखिए लोग, मैं आपको बताता हूं, बीजेपी ने मेरी मदद की है, बहुत मदद की, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि देखिए, ये धर्म का देश है, अलग अलग धर्म है, उन्होंने मेरी मदद की है। 2014 में जब हम चुनाव हारे, इससे फायदेमंद चीज मेरे लिए नहीं हो सकती थी, और उन्होंने मुझे बहुत मदद की, मेरी पिटाई करके, गाली देके, मार मार के मेरी उन्होंने आंखें खोल दी, तो उनका भी धन्यवाद करना पड़ता है। ये हमारा धर्म है। इसको आप थोड़ी गहराई में देखेंगे तो ये हमारा धर्म है, देश का धर्म है, देश का इतिहास है, और ये आपके अंदर है। कभी कभी आप इसको मिटा देते हो, गुस्सा आ जाता है, मिटा देते हो, मेरी आपके अंदर है। अगर आप ढूंढोगे इसको, आप सबके अंदर है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। घणो समय थयो छे अने हुं मानुं छुं के राहुल जी अपनी साथे आजे अत्यंत आत्मीयता थी अने लागणी पूर्वक नी जे वात करी छे, कदाच बहु ओछा अवसरो आवा हशे के जे दिवसे आटली आत्मीयता थी अने लागणी थी आ वात थई होय। घणा बधा प्रश्नो अमे लई शक्या नथी, हुं क्षमा मांगू छुं, પણ આપ સૌનો હૃદયપૂર્વક આભાર પણ માનું છું અને વિનંતી કરું છું કોંગ્રેસ શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ પ્રશાંતભાઈને કે જે આભાર વ્યક્ત કરે અને ત્યાર પછી આપણે રાષ્ટ્રગીત ગઈને છૂટા પડીશું એટલે સૌને રાષ્ટ્રગીત માટે રોકાવા વિનંતી।